नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत लड़कियों की शादी के वक्त उनको 51,000 रुपए की राशि दी जाती थी। और अब हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया और इस राशि को बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दिया। लेकिन किस तरीके से इसका लाभ उन कन्याओं को मिलेगा, उन लड़कियों को मिलेगा जिनकी जिनकी शादी होने वाली है, क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पहले 51,000 रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी जाती थी। हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बदलाव किए हैं। अब गरीब बेटियों को मिलने वाली मदद बढ़ा दी गई है। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों को 55,000 रुपए का सामान मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन आखिर कौन कौन होंगे हकदार, किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और क्या कुछ वो रोड मैप होगा जिसके जरिए इस योजना का लाभ उन गरीब कन्याओं तक पहुंचेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस योजना की पहली शर्त ये है कि बेटियों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र भी 21 साल से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियां ही उठा सकती है। इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए बेटियों का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इस योजना का लाभ राज्य की विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं और लड़कियों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शर्तें क्या होती है जिनके तहत ये लाभ जो है उन गरीब लड़कियों को मिलेगा। इस योजना का लाभ उसी कन्या को मिलेगा जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होगी। कानूनी रूप से जिन माता पिता का तलाक हो गया है वो भी अपनी बेटियों को इस योजना का लाभ दिला सकते हैं। इसके साथ ही कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा और इसके लिए जरूरी है कि कन्या के माता पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों। वहीं इस पूरी योजना का लाभ उठाने के लिए क्या कुछ दस्तावेज लगेंगे ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का नंबर, बेटी का आयु प्रमाण पत्र, परिवार के लोगों का बीपीएल कार्ड, दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक का होना अनिवार्य है। ये कागजात जब रहेंगे तभी इस योजना का लाभ प्रदेश की गरीब बेटियों को मिल सकेगा। वहीं आपको बता दें कि इस योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप mpvivahportal.nic.in पर जाकर सारे दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होम पेज पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, यहाँ जाने पर आपको अपने बारे में जानकारी भरनी होगी। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा, आवेदन में पूछी गई सारी जानकारियां सही से भरनी होगी। इसके बाद दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के कार्यालय में जाकर ये फॉर्म आपको जमा करना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव जो सीएम की तरफ से किया गया है वो ये कि जो 55,000 रुपए की राशि है वो पहले बैंक में जमा होती थी, जो कि पहले 51,000 थी और जो कि अब बढ़ाकर 55,000 सरकार ने कर दी है। लेकिन अब ये राशि बैंक में जमा नहीं होगी, जबकि 55,000 रुपए का सामान भेंट के रूप में उन बेटियों को मिलेगा जिनकी शादी इस योजना के लाभ के रूप में इस योजना के तहत होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राशि जो मिलती थी वो बढ़ा दी है। साथ ही आपको हमने पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।